बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर यूनिट वन कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का, और इसमें एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं। हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मैथ्स तो हम सीख रहे हैं, कैसे इल्म में इजाफ़ा हमें खुद से करना है जो हमें खुशगवार खुशी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। उसके फाइव रूल्स हैं टू लिव हैप्पियर लाइफ। लव अल्लाह, डू गुड, हमेशा भलाई के काम करें। ऑलवेज फॉरगिव, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें। हार्म नो वन, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ना हाथ से ना जबान से। बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत सोच रखें, पुर उम्मीद रहें। अब ये है कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, तो अल्लाह को जानें। अल्लाह जिस हस्ती को हम जानते नहीं हैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। अल्लाह को जानने का ज़रिया जो है, अल्लाह ने अपना तारुफ अपनी किताब में करवाया है। मेरा और आपका रब वो है जिसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है। वो हमें, उसने ज़िंदगी दी, हमें ज़िंदगी की ज़रूरियात दी, हमें रिज़्क देता है। उसी की तरफ से बीमारी आती है, वही सेहत देता है। उसी से दुआएँ मांगें, उसी से उम्मीदें रखें। तो रब को जानने के लिए प्यारे बच्चों, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। उर्दू आपको पढ़ना आती है तो अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें कुरान को तर्जमे से पढ़ना। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ आर राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल्स, एक्यूट एंगल्स। तो आप देखेंगे इसमें वन एक्यूट एंगल ऑफ आर राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल। इट मीन्स के दो एंगल्स हैं एक्स एंड वाई, और 2x इज इक्वल प्लस 12 इज इक्वल टू वाई, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आपको पता है कि जो राइट ट्राइंगल होती है उसके टू एक्यूट एंगल्स होते हैं जो कि एड अप टू 90 डिग्री, बिकॉज द थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री। अगर एक 90 का है तो दोनों भी दोनों का मजमुआ 90 का होगा। उस हिसाब से सम ऑफ एंगल्स x प्लस y इज इक्वल टू 90। ये जो है हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अभी हमने पहले देखा कि इन तीनों दोनों का सम 90 के इक्वल होता है। अब हम इस इक्वेशन को बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है ना वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो हम इसमें से a मैट्रिक्स बनाएंगे, x बनाएंगे और b बनाएंगे। अब हमने सबसे पहले जो है वो a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ए डी माइनस बी सी करेंगे, और 2 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 1, हमारे पास 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी आप जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, आप एक क्रॉस का सोचें, ए बी सी डी लेबल करें और उनको माइनस कर लें। तो ये हमारे पास जो है ना वो आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने इसकी एक्स करना है, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में हम जो है मैट्रिक्स की जो है इंटरचेंज करते हैं ए और डी, और फिर उसके बाद साइन बी और सी के चेंज करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं बाय डिटर्मिनेंट। और हमने भी डिटर्मिनेंट मालूम किया था, 3 आया था हमने इसके जब सिंप्लीफाई किया, तो रेड बॉक्स के अंदर हमारे पास इनवर्स ऑफ ए इक्वेशन आ गया। अब हमने सेकंड स्टेप में इस इनवर्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। वही जो हमने पहले सीखा है कि हम एवरी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, कॉपी पेंसिल लेके आप साथ साथ ये कैलकुलेशन करें। सिंप्लीफाई हमने किया तो हमारे पास 26 आ गया आंसर। अब हमने सेकंड रो को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये हम वन बाय
3 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 बाय 3 को 60 से, और फिर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 64। तो आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2664 मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। हमने जो है वो जो कैलकुलेशंस हैं आप पहली स्लाइड्स में देख चुके हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो x आया है, x इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हम ये भी कर सकते हैं कि सो x इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 64। तो जो एक्यूट एंगल्स हैं टू हमारे पास, एक 26 डिग्रीज का है और एक हमारे पास 64 डिग्रीज का है। अब हम इसी जो प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन है, इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे। ठीक है, क्रैमर्स रूल के मुताबिक हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई डी, फिर उसके बाद हमने डी एक्स और डी वाई जो है वो डिराइव की। जो हमारे पास -12 और 90 हैं वो कांस्टेंट हैं। तो डी एक्स में हमने एक्स कॉलम को जो है वो रिप्लेस किया बाय कांस्टेंट। तो इसी तरह हमने डी वाई को जब बनाया तो हमने वाई कॉलम को रिप्लेस किया बाय कांस्टेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह हमारे पास आ गई तीनों जो हैं वो मैट्रिसेस, हमने इनके नाम असाइन कर दिए। अब सेकंड स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, इनके डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम डी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास 3 आया ए डी माइनस बी सी। फिर हमने डी एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो हमारे पास आया 78। और फिर हमने डी वाई का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जो हमारे पास 192 आया। अब आपको पता है कि जो क्रैमर्स रूल है, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप डी एक्स के डिटरमिनेंट को डी से डिवाइड करें, और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। अब इस रूल में हमने वैल्यूज प्लेस की, इनको सिंप्लीफाई किया, तो एक्स इज इक्वल टू 26 और वाई इज इक्वल टू 64। सो हमारे पास एक्स और वाई जो हैं एंगल्स, उनकी वैल्यू आ गई 26 डिग्री और 64। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।